season 7 of Jhalak Dhikhhla Jaa has started now, and today we have Andy with us, who had a very small journey of one episode at Jhalak's house. So let's meet Andy and ask him if he had thought about this, that his journey would be so small. No, it was shocking. When I was in the second episode and I was in the last six, I thought that because my first performance was not so good. There were many difficulties in that performance. First, we had 48 hours to do that performance because we had a lot of changes in our performance. So we had a lot to learn about that. उसके लिए और वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, मुझे खुद पता था. जब ऑडियंस ने और जो जजेस ने बोला वो सही बोला था उन्होंने, और मुझे लगा कि हाँ मैं बॉटम टू में हो सकता हूँ. और जब मैं बॉटम टू में तक पहुँच गया और मैंने देखा कि सोफ़ी मेरे अगेंस्ट है, सोफ़ी का परफॉर्मेंस जब मैंने देखा मुझे तब पता चल गया था कि मैं ही जाऊँगा, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था पर उसका उससे बेहतरीन था, मुझे खुद पता है. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस तरीके का उसने डांस किया वो बहुत ही इवॉल्व डांस था, बहुत अच्छा डांस था. और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पहला परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, दूसरा उससे बेटर था, तो शायद तीसरा भी उससे बेटर होता तो एक ग्रोथ पैटर्न हो जाता. पर अनफॉर्चुनेटली इस कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं. इस बार यू नो कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी हारते हैं, पर जैसे आप उठ के फिर से करते हैं काम, उसमें आपका कैरेक्टर दिखता है. और मैं ही वही चाहता हूँ कि मैं उठ के कुछ और करके दिखाऊँ और सबको वो भी अच्छा लगे. बहुत अच्छी रही है, मेरी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, बहुत हमारी पर्सनैलिटीज़ मिल रही थी. अनफॉर्चुनेटली वो बहुत इनएक्सपीरियंस थी इस शो में, तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास एक एक्सपीरियंस कोरियोग्राफर होता तो शायद अलग होते हमारे रिजल्ट्स, मैं पहले नहीं निकलता. और मैं ये भी कहूँगा कि ये जर्नी बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, क्योंकि जितना प्यार कलर्स टीम्स ने मुझे दिया है, मुझे सपोर्ट किया है, वो बहुत ही एक दिल को छूने वाली चीज़ है. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सब कंटेस्टेंट्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, वो एक साथ घुल मिल के रहते हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छा जर्नी रहा है, बहुत पॉजिटिव जर्नी रहा है, बहुत सारे दोस्त बने हैं. देखो जब आप पहले निकलते हो तो आप कुछ चीज़ को ज़्यादा मिस नहीं करते. अगर मैं 6-8 हफ्ते रहता तो फिर होता कि अरे चूक गया, निकल गया, पहले निकल गए तो मतलब निकल गए ना, खत्म. अब मुझे सुबह उठ के ना सिरकपाई नहीं करनी पड़ेगी, नहीं मुझे नहीं करना, ये मुझे वो नहीं करना, मेरी टांग दुख रही है, मेरा सिर दुख रहा है, अब वो कुछ नहीं होगा तो अच्छी बात है. And he shared his special moments with India forums and told us about his new friends at Jhalak's house. बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारे दोस्त. In fact, 13 के 13 contestants एक साथ दोस्त ही बन गए हैं. पर खास दोस्त मैं कह सकता हूँ कि करण, कृतिका, सोफ़ी, यू नो ये तीन तो मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ. माउनी के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड किया था. किकू को तो मैं जानता हूँ पहले से और पूरब को भी, तो मतलब सब दोस्त दोस्त हैं. तो अगर आप कहेंगे कौन जीतेगा, ये बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि सब इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं. शक्ति तो मतलब माहिर है डांस में, तो वो डांस इंडिया डांस तो जीत चुकी है, तो ये भी जीत के चले जाएगी. मैंने सिर्फ ये सीखा कि अपनी बैक को कैसे स्ट्रांग रखना है, वो बिना, क्योंकि मैंने एक सर्जरी की थी, बैक सर्जरी, उससे बहुत ख़राबी हो गई थी मेरी बैक में. मैंने बहुत सारी फिजियोथेरेपी ली है, पर जो मेरी कोरियोग्राफर ने मुझे सिखाई दी है, मतलब बैक की स्ट्रेंथनिंग में, वो बहुत ही एक चीज़ है जो मैं अपनी ज़िंदगी में रखूँगा. मुझे तो लगता है कि प्यार वो अभी भी कायम है, अभी भी मुझे बहुत प्यार मिलता है जब मैं लोगों को मिलता हूँ, कहीं पर भी बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है, बहुत सारी खुश कामनाएं हैं मेरे साथ. मुझे पता है बहुत सारी माएँ, बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं, अभी भी मुझे बहुत आके कहते हैं बेटे कैसे हो, अंकल कैसे हो, भाई कैसे हो, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि जुहू में अभी मेरी गाड़ी ट्रैफिक में थी, तो बहुत सारे लोग थे, शायद अमिताभ बच्चन के बंगलों के बाहर, तो वहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक थी और उन्होंने मुझे देखा गाड़ी में, और मेरी गाड़ी को मतलब पूरा ऐसे घेर के फोटोग्राफ्स ले रहे थे सब. मैंने सबको हाय बोला, तो मतलब मुझे अच्छा तो बहुत लगा, थोड़ा डर भी लगा, गाड़ी को स्क्रैच मत कर देना. यू नो एनी थिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है. मैं तो कभी नेवर से नेवर, आपको पता नहीं क्या हो सकता है. वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, पर जहाँ तक मुझे याद है झलक में हमेशा कोई नया आता है वाइल्ड कार्ड में, कोई जो गुजर के निकला है वो नहीं कभी आता. शायद इस साल हो सके, अगर मेरे फैंस कुछ वोट करें या फिर कुछ किसी को बताएं तो शायद कुछ हो सकता है फैंस. Wish you all the best for your future projects. Cameraman Babaji with Neha Savant, India Forums, Mumbai.
Hi, this is Kritika Kamra and you're watching India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.